एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन फर्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट जीरो। विल नॉट रिप्रेजेंट मतलब कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जीरो को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो देखिए 1 + 0 कितना आएगा 1, 0 × 0 कितना आएगा 0, 0/2 कितना आएगा 0, 10 − 10 0/2 मतलब कितना आएगा 0। तो हम ये देख रहे हैं कि जो ऑप्शन फर्स्ट है उसमें 1 will not represent, 0 को represent नहीं करेगा, मतलब इसमें 1 आ रहा है और इन तीनों options में 0 आ रहे हैं, तो कौन सा option सही होगा? If the product of two whole number is 0, ठीक? If the अगर किसी भी two whole numbers का product 0 है, can we say that? क्या हम कह सकते हैं कि one or both of them will be 0? Justify through examples. Question number 2, if the product of two whole number is 0, can we say that one or both of them will be 0? Justify through examples. इसमें पूछ रहा है कि if the product of two whole numbers is 0, तो ऐसे कोई two whole numbers का product 0 हो सकता है, 0 होगा? Can we say that? क्या हम ये कह सकते हैं कि one or both, क्या उनमें से दोनों 0 हो? तो आप ये देखिए yes, अगर इसमें 1 whole number 1 0 हो गया तो उसका प्रोडक्ट 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0। यहां लिखेंगे yes one or both if one or both whole number zero, then product will be zero. इसका example क्या है देखें? 0 × 0 zero ही होगा, या 0 × 4 zero ही होगा, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1, तो आप जानते हैं कि किसी भी ऐसे टू होल नंबर्स का प्रोडक्ट कोई भी हम ले लें 1 नहीं होगा, ठीक? या दोनों 1 होने चाहिए, 1 × 1 = 1। कैन वी से दैट वन आर बोथ ऑफ देम विल बी 1, तो क्या हम कह सकते हैं कि क्या उनमें से दोनों होल नंबर्स 1 हो? यस, both of them will be 1. Suppose that 1 × 2 इसका जो एग्जाम्पल होगा, यहाँ देखिए सॉल्यूशन में लिखेंगे ऐसे, both of them will be 1. Example 1 × 1 = 1। अगर इसमें से कोई 1 होल नंबर्स कोई अदर लेते हैं, जैसे 5 × 1 तो 5 होगा। तो ऐसे कंडीशन क्या करेंगे, 1 × 1 = 1, अगर बोथ ऑफ देम 1 है तो उसका प्रोडक्ट 1 होगा, और अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो जैसे both of them will be 1. Example 1 × 1 = 1, okay? इस तरीके से जो है इसको solve कर लेंगे। हाँ चलिए। Question 4, find using distributive property. अब इस क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज से हमको सॉल्व करना है, तो आपको बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो है a into b + c, तो ये हो जाएगा
ए इंटू, मतलब ए का मल्टीप्लाई दोनों में करना है, पहले ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। तो अब देखिए जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 728 इंटू 101, तो क्या होगा 728 इंटू 101 को टू पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 100 प्लस 1। ओके 728 इंटू, अब इसका मल्टीप्लाई पहले किसमें करेंगे 100 में, तो इंटू 100 प्लस फिर इसी का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में, 728 इंटू 1। अब क्या होगा इसका मल्टीप्लाई, आपको हमने बताया था कि जब 10, 100, 1000 इन सब के नंबर्स का मल्टीप्लाई हो तो इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई 1 में कर दो, यही नंबर आएगा, और फिर 00 प्लस 728 प्लस कर लीजिए इसको 08 8 02 2 8 7 15 51 कैरी 2 और 1 3 7 73,528। ओके ऐसे ही क्वेश्चन नंबर टू देखिए, इसका जो बी वाला है क्या है 5,437 इंटू 1001, तो इसको भी टू पार्ट में डिवाइड करिए, 5,437 इंटू ये हो जाएगा क्या 1000 प्लस 1, वही काम करना है आपको, फिर 5,437 इंटू 1000 प्लस 5,437 इंटू 1, आपको बताए थे इसका मल्टीप्लाई पूरा 1 में करिए, वही नंबर आएगा 5,437 000 बढ़ा दीजिए प्लस इस पूरे नंबर का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो सेम वही नंबर आएगा 5,437, इसको प्लस कर लीजिए 07 7 0 3 3 0 4 4 और 7 5 12 3 1 4, फिर आ गया आपका 4 5। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। हेलो, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 में अभी 2 क्वेश्चन और हैं, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टडी द पैटर्न, इस पैटर्न को स्टडी करिए, और ये बोल रहा है कि राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, इसके आगे 2 स्टेप्स आपको और बढ़ाना है, 2 स्टेप्स। ठीक है, तो अब देखिए 1 into 8 plus 1 equal 9, 1 into 2 मतलब यहाँ पे देखिए 1 के बाद एक नंबर बढ़ा रहा है, 12 कर दिया into 8, यहाँ पर वही नंबर रहेगा 8 और 1 से यहाँ पे, तो जितना हम यहाँ बढ़ाएंगे वही यहाँ बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ भी एक नंबर हम कम करते जाएंगे पैटर्न इसका। 1 2 3 यहाँ पे 3 तक ये into 8, अब यहाँ 2 था 3 आ गया 9 8 7, फिर 1 2 3 4 4 किए इंटू 8, अब यहाँ 4 तक किए थे, यहाँ 4 ले लेंगे इक्वल 9 8 7 6, यहाँ पर एक नंबर कम कर देंगे हम, फिर 1 2 3 4 5 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल 9 8 7 6 5, अब आगे हमको 2 स्टेप और ले जाना है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 8 प्लस 6 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 कर देंगे, एक स्टेप और 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल टू 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है ना, तो यही आपका ये पैटर्न था, इसको 2 स्टेप हमको ले जाना था, कहाँ से देखना था आपको, ऊपर से देखिए 1 था 1 into 8 plus 1 equal 9, तो यहाँ क्या करेंगे 1 into 2, यहाँ पर जो है नंबर बढ़ा रहा है, जो नंबर यहाँ बढ़ेगा वही नंबर हमको प्लस के बाद लिखना है, और 9 के बाद 1 डिजिट 1 नंबर कम करते जाना, तो ऐसे 1 2 3 इंटू 8 प्लस 3 इक्वल टू 9 8 7, 1 2 3 4 इंटू 8 ये नंबर नहीं चेंज होगा, इंटू 8 प्लस 4 इक्वल 9 8 7 6, 1 2 3 4 अब यहाँ 4 तक किए थे 5 इंटू 8 प्लस 5 इक्वल 9 8 7 6 5, 1 2 3 4 5 यहाँ 6 कर देंगे इंटू 8 प्लस 6 इक्वल 9 8 7 6 5 4, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू 8 प्लस 7 इक्वल 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, इस तरीके से पूरा ये आपका एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व कर लीजिएगा।